आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, द क्वेश्चन हियर इट वुड बी दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। सो इवेपोरेशन हर एक टेम्परेचर पे तो नहीं होता ना, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो है वॉटर जो है वो क्या बनाना स्टार्ट करता है? वेपर्स। सारे टेम्परेचर पे थोड़ा ना वेपर्स बनते हैं, सो ये रॉन्ग स्टेटमेंट। सेकेंड इज बॉइलिंग टेक्स प्लेस एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है, पानी जो बॉयल करता है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही होता है। कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस विच कन्वर्ट लिक्विड वॉटर इंटू वॉटर वेपर इंटू लिक्विड, दैट इज ऑल्सो ट्रू। कंडेंसेशन बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें कि जो वॉटर वेपर्स होते हैं ठीक है वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? वॉटर वेपर, सॉरी वॉटर। Evaporation and boiling both are very fast processes, बिल्कुल सही है ये भी। So यहाँ पर incorrect statement बतानी थी जो कि ये first one, कि evaporation हर एक temperature पे हो जाती है। I hope it would be clear. So thank you. Class 6 to 12 से लेके NEET, IIT, JEE, mains और advanced के level तक 10 million से ज्यादा students का भरोसा। आज ही download करें Doubtnut app या WhatsApp कीजिए अपने doubts 8400400400 पर।